गैस कैप्टन मार्वल का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है। सबको लगता था कि मार्वल स्टूडियो हमें एवेंजर 4 का ट्रेलर देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, जैसा कि इस ट्रेलर में हमें पहले वाले ट्रेलर से ज्यादा डिटेल देखने को मिला है, तो आज इस वीडियो में मैं इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन दूंगा। सो गैस, वेलकम टू नोवेयर। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। गैस, इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस का वो सबवे स्टेशन दिखाया जाता है जो हमें पहले के ट्रेलर में दिखाया गया था, और वो ट्रेन में किसी को ढूंढ रही होती है। और हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी जिसे कैप्टन मार्वल पंच करती है, और उस लेडी की कैपेबिलिटीज देखकर ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो सही में एक स्कर है। और इस सीन से हमें ये पता चलता है कि कैप्टन मार्वल के पास शायद ऐसी कोई पावर है जिससे वो स्कर को पहचान सकती है। और यही हम बैकग्राउंड में निक फ्यूरी को सुन सकते हैं जो कि कैरल से पूछ रहा होता है कि क्या स्कर विलन है और क्या वो एक क्री सुपर हीरो योद्धा है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कैरल और उसकी टीम वर्स को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले ट्रेलर ब्रेकडाउन में बता चुका हूँ, पर तब इस टीम का नाम कंफर्म किया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इस टीम को कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्टारफोर्स कहा। नेक्स्ट सीन में हमें कैरल का एयरक्राफ्ट क्रैश होता हुआ दिखाया जाता है। गाइस, ये मोस्ट प्रोबेबली कैरल के एयरफोर्स में काम करते वक्त का सीन होगा, जहाँ वो शायद पहले ट्रेलर में दिखाया हुआ ये क्रैश होता हुआ क्री स्पेसशिप को इन्वेस्टिगेट करने आई होगी, और यहीं उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। और इस सीन में हम कैरल की तरफ किसी क्री वॉरियर को बढ़ते हुए देख सकते हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली जूड लो का कैरेक्टर होगा। आगे हमें क्री प्लेनेट ऑफ हाला दिखाया जाता है, जहाँ कैरल को कुछ ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, और वहाँ एक औरत उसे कहती है कि जब कैरल उन्हें मिली तब उसकी याददाश्त चली गई थी और उन्होंने कैरल को ये पावर्स दी और उसे उनकी तरह बना दिया। तो गाइस, ये औरत मोस्ट प्रोबेबली क्री प्लेनेट में चीफ जनरल होगी, और इस कैरेक्टर का रोल किया है एंटी बिंग ने। अगले सीन में हमें कैरल पर किसी तरह का ब्लास्ट होता हुआ दिखाया जाता है, और शायद इसी ब्लास्ट से कैरल को क्री डीएनए मिला होगा। और इन बातों को प्रूव करता है ये सीन, जहाँ कैरल का ब्लड इस धमाके के बाद ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट हमें कैरल का पास दिखाया जाता है, और इससे ऐसा लगता है कि इस मूवी में कैरल के पास का एक इम्पोर्टेंट पहलू होगा। और यही हमें कैरल की दोस्त मारिया रेम्बो को भी दिखाया जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले ट्रेलर पर बताया था। और हम निक फ्यूरी और कैरल को एक क्वीन जेट में देखते हैं, जहाँ कैरल आसानी से वो जेट उड़ा लेती है। और गाइस, तब का शॉट होगा जब कैरल को अपने पास्ट के बारे में याद आ जाता हो, इसलिए वो अपने एयरफोर्स की ट्रेनिंग के कारण वो जेट उड़ा लेती है। आगे एक ब्लास्ट सीन दिखाया जाता है जो कि एंटमैन एंड द वास्प के इस ब्लास्ट सीन से थोड़ा सिमिलर है। इससे यह लगता है कि इस मूवी में हमें क्वांटम रियम भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें एक स्कल दिखाया जाता है, और शायद ये वही सीन होगा जहाँ कैरल जख्मी हालत में पड़ी होती है। उसके बाद हम जूड लो को भी देख सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इस सीन में दिखाया हुआ क्री सोल्जर जूड लो ही हो सकता है। फिर हम देखते हैं कैरल को सील के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक करते हुए, और वहाँ वो अपने एयरफोर्स के दिनों के फोटोज देखती है कि वो एक्चुअली में आर्ट से बिलोंग करती है। फिर हमें जूड लो के कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कैरल को कुछ समझा रहा होता है। और गाइस, यहाँ हम कैरल के गले में एक छोटा सा डिवाइस नोटिस कर सकते हैं, जो कि गाइस कैरल का हेलमेट हो सकता है, जिसे हम इस ट्रेलर के काफी जगहों में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कैप्टन मार्वल को अपने क्लासिक रेड और ब्लू सूट में देख सकते हैं, और वो क्री सोल्जर्स पर हमला करती है। गाइस, इससे ऐसा लगता है कि क्री अपने फायदे के लिए कैरल का यूज किया हो, और जब ये बात कैरल को पता लगी होगी तब कैरल उन पर हमला करती है। नेक्स्ट हमें स्कर्ल का लीडर कार्लोस को दिखाया जाता है, और गाइस सीन से ऐसा लगता है कि उसने सील के किसी हाई रैंक ऑफिसर का रूप लिया है, और इसीलिए सील के बाकी लोग उसका कहना मान रहे हैं, और इसी का एडवांटेज वो इस मूवी में कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी के खिलाफ यूज करेगा। आगे हम कैरल को अपने बाइनरी फॉर्म में देख सकते हैं, और इस सीन में हमें कैरल की असली पावर्स का पता चलता है। यहाँ वो अपने फोटोन ब्लास्ट से चुटकियों में स्पेसशिप उड़ा रही है। आखिर में हम निक फ्यूरी को एक बिल्ली से बात करते हुए देख सकते हैं। गाइस, बिल्ली कॉमिक्स में कैरल की कैच चुई है। सो गाइस, यहीं पर इसका ब्रेकडाउन खत्म होता है। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मुझसे कुछ डिटेल मिस हुआ तो कमेंट में जरूर बताइए। और गाइस, ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवेयर को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, कैप्टन मार्वल के पहले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, और कैप्टन मार्वल के ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली वीडियो देखिए। गुड बाय।